खबर सरायकेला राजनगर नौका गांव से। राजनगर के रावण कोचा में पहाड़ के लीज से ग्रामीणों और लीज धारक के बीच विरोध को लेकर कुछ दिन पहले सुर्खियों में था और प्रशासन की मदद से लीज धारक ने पहाड़ पर पत्थर ढुलाई का काम शुरू तो कर दिया। वहीं दूसरी ओर पत्थर की क्षमता से ज्यादा ओवरलोड वाहन नौका गांव के रास्ते आवागमन से मुख्य सड़क की हालत जर्जर अवस्था में है। नौका गांव के ग्रामीणों के द्वारा शिकायत किए जाने पर भी कोई जवाब प्रशासन और विभाग की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है, जिससे ग्रामीणों में रोष का माहौल व्याप्त है। बताया जा रहा है यह रोड 2 साल पहले ही बना था, जिसकी क्षमता 10 टन से ज्यादा नहीं है, बावजूद इसके 40 से 50 टन के भारी वाहन चलाए जा रहे हैं। इस बात की भी पुष्टि रोड के साइड इंजीनियर सहायक अभियंता श्री मनोहर सिंह के द्वारा भी की गई। वहीं ग्रामीणों का भी कहना है कि हमें लीज धारक एसएन दुबे के पत्थर ढुलाई से कोई आपत्ति या विरोध नहीं है, किंतु सड़क के टूटने और खराब होने से स्कूल के बच्चे भी इसी सड़क से आवागमन करते हैं, जिससे कभी भी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहेगी। यही वजह है जो ग्रामीणों की चिंता का विषय बना हुआ है। उनका क्या कहना है? उनका कहना था कि वीडियो बना के दे दो, फिर हम लोग वीडियो बनाए थे, फिर उनका आना नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग आज फिर देख के मशीन मार्चिंग करते हुए देखे, तो फिर हम लोग आज उनको खबर किए, तो वो अभी आए हुए हैं। इससे पहले जब आपने कंप्लेन की थी तो किसी के द्वारा आपको डराया धमकाया भी गया था क्या? हाँ सर, पुलिस आके हम लोग गाड़ी रुकवा के हम लोग बोलते हैं ना कि यहाँ मार्चिंग करके मशीन मत लिया कीजिए और ओवरलोड मत लिया कीजिए, तो पुलिस के द्वारा बोला जाता है आप लोग अथॉरिटी पर्सन नहीं है। अच्छा, मैंने पुलिस प्रशासन के द्वारा आपको दबाव दिया जा रहा है जी, केस करने की धमकी दिया जाता है। ये देखिए किस तरह की जैसे सार्वजनिक स्थल जो रोड है ये खराब हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? इसमें एक मेरा रोड है 10 टन का, अभी ये जो माल ले जा रहा हो 40-50 टन के ले जा रहा है, इसका उतना कैपेसिटी नहीं है कि उतना लोड ले सकेगा। अच्छा, इसके लिए उसको सूचना मिली है? उसको सूचना तो हमको तो इधर कुछ दिन पहले से किया गया था, बताया गया था, तो भाई हम बोले कि इसका वीडियो हमको बना के दिएगा, वीडियो अभी तक लोग कोई खींचा नहीं बनाया। अच्छा, यानी ये सरासर गलत काम हो रहा है, जब 10 टन के जगह 40 टन माल लिया जा रहा है, फिर भी उसके विरोध कोई बोला नहीं अभी तक उनको? इनको कोई नहीं बोला। अच्छा, तो ये क्या उपाय हो सकता है इसका? उपाय कि इसको कम लोड ले करके जाए, 40 टन लेके नहीं जाए कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर ओवर लोड 40-50 टन लेके जाएगा तो, क्योंकि मेरा दस अगर आप खाने का कैपेसिटी कम है, ज़्यादा खा लीजिए तो रोड मार्किंग क्या? यहाँ रोड रास्ता जो खराब हो रहा है इसका भरपाई कैसे किया जा सकता है फिर? इसका भरपाई तो हमको इतना भरपाई करने का नहीं है, जो 10 टन चलेगा उसके लिए हम भरपाई कर सकते हैं, 40-50 टन चलेगा उसका हम भरपाई नहीं कर सकते। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मनोहर। क्या है आप? हम साइट इंजीनियर हैं, एनपीसी।